प्रदेश नेतृत्व को, केंद्र नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे उम्मीदवार बनाया और जनता ने आशीर्वाद देकर विधानसभा पहुँचा। इसके लिए मैं अपनी जनता को और सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा। कितने वोटों से आपकी विनिंग हुई है और क्या मुद्दे रहे जिनको आप लोग लेकर जमीन पे गए थे और आज जीते? मुद्दे हम लोगों के हमेशा विकास कर रहे हैं और जो विकास का मॉडल जो उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने तैयार किया और वो विकास उत्तर प्रदेश के जनता के दिलों में बसा और उसी को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया और आज आप देख सकते हैं पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। किस तरीके से आगे आप काम करेंगे और कितने काम करना बाकी रह गया था अभी? देखिए, 5 साल में हम लोगों के 2 साल तो कोरोना में चले गए, 3 साल सिर्फ समय मिल पाया। इस बार हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम मितौली को और मैगलगंज को टाउन एरिया का दर्जा दिलाएं, औरंगाबाद को ब्लॉक का दर्जा दिलाएं और एक स्टेडियम की स्थापना कराएं और एक डिग्री कॉलेज बालिकाओं के लिए भी बनवाना हमको विधानसभा। कभी आप खाली खड़े होते रहे कई राउंडों में, क्या लगता है आपको बहुत मार्जिन कम हो गई? देखिए, मार्जिन कम ज़्यादा नहीं रहा, वो बाबा जी ने कहा था वो 80-20 का मुकाबला है, तो जहाँ पर 20 थे वहाँ पर 80 मिल गए, जहाँ 80 थे वहाँ 20 मिल गए। दोनों भैया।